पीओके एक ऐसा मुद्दा है जिसको भारत कैसे लेगा और इसको लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये तो मैं आपको इन दो शॉर्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, पीओके में जाने के बाद भारत को कितने फायदे भी होंगे, आइए इस बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले, पीओके एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है और इस क्षेत्र में हाइड्रो पावर की क्षमता बेहद ही ज्यादा है, जो भारत की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी स्कोप काफी बड़ा है। दूसरा, ये तो साफ है कि पीओके मिल जाने के बाद भारत में और मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि जो अधिकतर घाटी में घुसपैठ होती हैं और जो आतंकवादियों के अधिकतर लॉन्च पैड हैं, वो पीओके पर ही मौजूद हैं। तीसरा, पीओके मिल जाने के बाद भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच की डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी और इनके हवाई मार्गों से होने वाले अवैध व्यापारों को सीधा रोक सकता है। मतलब पीओके मिल जाने से भारत को फायदे भी कुछ कम नहीं है।